ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन पर भूत प्रेत का साया है। ऐसा एक विज्ञान है जिसके इस्तेमाल से कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऊर्जाओं का नकारात्मक उपयोग कर सकता है। एक कोबरा का भी ऐसे जीव पर एक तरह का प्रभाव होता है, क्योंकि वो अपनी सांस को लंबे समय तक रोक कर रखता है। शरीर को हल्के में मत लीजिए, ये कोई छोटी कैद नहीं है। पर जब व्यक्ति को अनुभूति होती है कि वो भीतर कैसे आया था, अब उसे पता होता है कि बाहर कैसे जाना है। जिस जीव का शरीर छूट चुका है उसका मन समझदार नहीं होता, वो अपनी आदतों के हिसाब से चलता है। उसका कर्मों वाला हिस्सा जो अभी विलीन नहीं हुआ है, वो एक तरह की आदत बनाएगा जो उस जीव को वैसी ही दिशा में ले जाएगी। वैसी दिशा का मतलब है जहां भी ऐसा जीवन हो जो बहुत कम सांस लेता हो। उदाहरण के लिए इमली का पेड़। अगर आप दूसरे पेड़ों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि कई पक्षी रात में आराम करने के लिए वहां बैठे होंगे, पर कोई भी पक्षी इमली के पेड़ पर नहीं बैठेगा, क्योंकि इमली के पेड़ के चारों ओर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। वो जीव एक योगी की दिशा में भी बढ़ सकता है जिसकी अपनी सांसों पर एक तरह की महारत है, क्योंकि वो दूसरों जितनी सांसें नहीं ले रहा। एक कोबरा का भी इस जीव पर एक तरह का प्रभाव होता है, क्योंकि वो अपनी सांस को लंबे समय तक रोक कर रखता है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन पर भूतों का साया है। ऐसा एक विज्ञान है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऊर्जाओं का नकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर सकता है। आजकल ये काफी कम हो गया है, बहुत ही कम। पर अगर आप देश के कुछ खास इलाकों में रहते हैं तो वहां ये काफी होता है। अगर आप ऐसे प्रभाव में आए हैं तो आप आकर ध्यानलिंग के दायरे में बैठिए। Because there are occult dimensions to Dhyanalinga which just nullifies all this. क्योंकि ध्यानलिंग में तंत्र विद्या से संबंधित आयाम हैं जो इन चीजों का असर खत्म कर देते हैं। पूर्णिमा या अमावस्या पर जब आप चीजों को अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं तब बस एक दिन वहां जाकर बैठिए, ऐसी चीजों का असर खत्म हो जाएगा। Your physical body is something that you have loaned from the planet on which you are living. आपने अपना शरीर इस धरती से उधार लिया है। समय आने पर धरती उसे वापस ले लेंगी। लेकिन आपके दूसरे आयाम, खास तौर से आपका कर्मों वाला हिस्सा, वैसा ही बना रहता है। अगर वो जागरूकता के एक निश्चित स्तर पर हो तो शरीर छोड़ चुका जीव एक तरह से सुख में होगा। इट इज दिस दैट इज बीइंग रेफर्ड टू एज हेवन। इसी को स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने भौतिक शरीर को जागरूकता की अवस्था में छोड़ा है तो वे एक समय तक उस मधुरता का आनंद लेते हैं, एक छुट्टी की तरह, इससे पहले कि वे दूसरा भौतिक शरीर धारण करें। इसी तरह अगर लोग डर, बेचैनी, क्रोध की अवस्थाओं में, अज्ञानता की अवस्थाओं में शरीर छोड़ते हैं तो कार्मिक शरीर खुद ही एक तरह की अप्रियता धारण कर लेता है। इसी परेशानी की स्थिति को हम नर्क कहते हैं।
आमतौर पर जब कोई मरता है तो आप कहते हैं वो व्यक्ति अब नहीं रहा, लेकिन वे सच नहीं है। अब वो वैसा नहीं है जैसा आप उसका अनुभव करते थे, पर अभी भी कई दूसरे तरीकों से वो मौजूद है। शरीर को हल्के में मत लीजिए, ये कोई छोटी कैद नहीं है। जब तक आप इसे तोड़ नहीं देते, आप इसे छोड़ नहीं सकते, है ना? पर जब व्यक्ति जान जाता है कि वो अंदर कैसे आया था, तो अब वो बाहर निकलना जान जाता है। अगर कोई व्यक्ति सचेतन रूप से शरीर को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना उसे छोड़ता है, जैसे आप अपने कपड़े उतारते हैं, अगर आप अपने शरीर को पूरी चेतना में छोड़ते हैं, तब हम कहते हैं कि ये महासमाधि है। जब कोई व्यक्ति इस तरह जाता है तो यही अंत है। अब वो सच में नहीं रहा, जिसे आप मैं कहते थे वो विलीन हो गया और सृष्टि का हिस्सा बन गया। शून्य से शून्य तक की यात्रा पूरी हो गई।